हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे चैनल। मैं हूं आपका अपना राज भाई और आपके सामने है वाइट ब्यूटी यामाहा R15। और मुझे आपको दिखाने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखने मिलेंगे इसके अंदर मिरर, जो कि विंग्स मिरर हैं, लाइट वाले हैं, इसमें इंडिकेटर भी चलते हैं, साथ में विंग्स से भी काम करते हैं, साथ में पीछे थोड़ा सा व्यू भी नज़र आ जाता है, देख सकते हैं आप। और इंडिकेटर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से इंडिकेटर इसके ऑन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। दूर से लुकिंग काफ़ी इनहेंस हो जाती है इससे और सामने वाला लगता है कि यार कुछ अलग ही निकल के जा रही है बाइक। तो ये आपके हो गए विंग्स, जो कि आपको मैंने दिखाया, आपको इसमें थोड़ा विजिबल भी हो जाता है, साथ में आपका लुकिंग भी हो जाती है और इंडिकेटर लाइट भी इसके अंदर जल जाती है। इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर कर दिया गया रैपिंग, ब्लैक करके ट्रांसपेरेंट आता है कंपनी का, ये इसी पर आपकी ब्लैक रैप कर दी गई है। साथ में आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर विंगलेट, जो कि R15 V4 की ही प्रॉपर फिटिंग के साथ ब्लैक कलर की लगा दी गई है इसके अंदर। और इधर देखेंगे आप हैजार्ड, जो हैजार्ड आपका इंडिकेटर के साथ तो है ही है, साथ में आपका आइस के अंदर भी कनेक्ट कर दिया गया है। और ये जितनी बार इसको पैटर्न चेंज करेंगे उतनी बार ये ऑटोमेटिक पैटर्न हो जाएगा चेंज। ये आपका हैजार्ड के पैटर्न्स हो गए इसके अंदर। साथ में आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर इंडिकेटर, बॉडी इंडिकेटर, जो कि इसमें लगा दिए गए हैं दोनों तरफ, इधर भी इधर भी, इससे भी लुकिंग इनहेंस होती है। और साथ में आपका इंडिकेटर जो बाहर निकलते हैं वो भी आपके बंद हो जाते हैं, आपको अंदर ही लगे रहेंगे तो आपको उसको भी टेंशन ख़त्म इसकी। साथ में इसमें लगा दिया क्रैश गार्ड, जो कि फुल बॉडी क्रैश गार्ड है, 4 स्लाइडर के साथ आपका दिया गया है इसके अंदर। इससे गाड़ी गिरने से आपकी बॉडी को और लेग्स को दोनों आपके जाते हैं सेफ, क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी होती है सारी, ये प्रोटेक्ट करने के लिए लगाना मैंडेटरी होता है अगर वो सेफ चाहते हो तो। जैसे कि आप इधर भी हो गया, साथ में आपको देखने मिले इधर भी पूरी तरीके से आपकी बाइक की बॉडी होगी प्रोटेक्ट और साथ में लेग्स भी जाते हैं प्रोटेक्ट। इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर मोबाइल होल्डर, जो कि चार्जिंग वाला है, इसमें और बहुत सारी वैरायटी आती है हमारे पास, कोई भी चाहिए, फिलहाल सिंपल वाला है चार्जिंग वाला, ये इसके अंदर लगा दिया गया। और साथ में देखने मिलेगा इसके अंदर ये बटन, देख रहे हो आप, ये है मिनी ड्राइव का बटन, इसमें मिनी ड्राइव कहाँ लगे देखिए, ये लगाए हैं मिनी ड्राइव यहाँ पर इसके अंदर दोनों तरफ। और अब दिखाता हूँ इसकी रोशनी, ये देखिए येलो, ये आपका हो गया वाइट, येलो वाइट, इसका थ्रो काफ़ी अच्छा, ओरिजिनल HJG की होती हैं ये। और उसके बाद आपको दिखाने वाले हैं हम इसके अंदर शार्क फिन मरगार्ड, जो कि रियर फेंडर मरगार्ड है, इसके अंदर लगा दिया गया है। इससे आपकी जितनी भी डस्ट वगैरह जो होती है, मिट्टी वगैरह जो वहाँ पे होल्ड हो जाती है ना आगे शॉकर के पास, ये सारी आपकी सेफ हो जाती है, वहाँ जाने से बचाता है, उससे बहुत मोटा खर्चा बचाता है, क्योंकि उसमें डस्ट जमने का मतलब शॉकर ख़राब होने का, तो शॉकर बचाने के लिए आपका ये लगा दिया गया इसके अंदर शार्क फिन मरगार्ड, जो कि इसकी लुक भी इनहेंस होती है साथ में सेफ्टी होती है। और बैक साइड में देखें तो आपको देखने मिलेगा टेल टेडी, जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी की लगा दी गई है इसके अंदर टेल टेडी, और सिल्वर कलर की टेल टेडी है, काफ़ी हैवी है। और साथ में लगा दिए पीछे इंडिकेटर, आप देख सकते हैं इंडिकेटर भी इसे KTM स्टाइल वाला इंडिकेटर है, जिससे कि आपका रोशनी भी तेज़ हो जाती है, साथ में आपका इंडिकेटर भी टूटने का खतरा हो जाता है ख़त्म इसका। और इसके बाद इसमें लगाया गया है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, जो कि आप देख सकते हैं पूरा इधर से लेके उधर तक इसका लगा दिया, साथ में R9 का लगाया एग्जॉस्ट के अंदर। अब मैं सुनाता हूँ इसकी साउंड आइडल पर और आपका थ्रोटल पर भी, ये देखिए आपके हो गए थ्रोटल पर। तो ये थी कुछ इस बाइक की मॉडल, साथ में इसमें एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, देखिए इसमें लैमिनेशन PPF भी की गई है, ये देख सकते हैं आप, जज भी नहीं कर सकते इसमें की भी गई लैमिनेशन PPF वगैरह कुछ भी, और मतलब प्रॉपर फिनिशिंग से काम होने वाला कर दिया गया इसके अंदर, क्योंकि असली काम कहाँ होता है, ओनली फॉर SKD राजू भाई के यहाँ पर। तो भैया आप आएंगे, आना चाहेंगे, आना चाहेंगे ना। तो देखिए ये तो ही कुछ इस बाइक की मॉडिफिकेशन, और मिलवाते हैं भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगता है और कैसा नहीं। तो हेलो भैया, तो भैया नाम क्या आपको और कहाँ से हैं? मैं भैया नाम शारिक है, मैं ओखला से आया हूँ, जामिया नगर से। तो मैं वीडियो देखकर ही आपके आया हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आपकी देखी, मॉडिफिकेशन की देखी, तभी मैंने डिसाइड किया, मतलब लाइक 1 वीक तक कम से कम मैंने देखी, सर्वे किया पूरे करोलबाग में कौन सबसे बेस्ट करा है, तो सबसे बेस्ट मुझे आप ही लगे, तभी मैं आपके पास आया अपनी बाइक लेकर और कराया, और आपके काम भी बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे बहुत मज़ा आया भाई, बहुत अच्छी बाइक और बहुत ही बढ़िया भैया ने मॉडिफाई किया भाई, मैं तो सबको यही दुकान सजेस्ट करता हूँ, क्वालिटी एक नंबर है, प्राइस बिल्कुल जेन्युइन है, और बस पूछो मत, मज़ा आ गया भाई हर चीज़ में, खास कुछ तो भैया ने बोला, सबसे बेस्ट मुझे भैया को लगा एग्जॉस्ट भाई, साउंड जो बना है ना R9 का बाय गॉड ऐसी लगती है निकल के जैसे रॉकेट निकला हो रोड पे। तो देखो भैया ने अपना सब कुछ बोल दिया, मेरे बोलने का मौका नहीं छोड़ा भैया ने ये भी अच्छा है कि चलो कोई तो है जो मुझे चुप करा सकता है तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। तो भैया एक बात और, आप जैसे किसी और को रिकमेंड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे किसी?
बस मैं भाई यही कहूँगा, अगर किसी को अच्छा काम और सस्ते दाम में कराना है तो भाई के पास आए। हमारी जो शॉप का नाम है एसकेडी बाइक मॉडिफिकेशन है, और एसकेडी के नाम से करोल बाग के अंदर बहुत सारी शॉप्स ओपन हो चुकी हैं, बट हमारी दो ही शॉप हैं करोल बाग के अंदर, जो कि अपनी मिलेगी करोल बाग नायवलन छत्तीस से हमारे पीछे मिलेगा, फ्रंट में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर धन्यू सातों होटल अपोजिट है हमारे, और दूसरी मिलेगी हमारी 51 नंबर गली के में अंदर मेन रोड पर। तो हमारी दो शॉप्स हैं, कृपया ध्यान रहे, जब भी आएँ सीधा राजू भाई के पास आएँ, राजू भाई की शॉप पर आएँ, बाकी आपकी मर्जी, कुछ भी आपको कैसे भी कहीं कराना तो करा सकते हो, बाकी भैया ने सारा कुछ बता ही दिया। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।